आज एक बार फिर सौम्या के हाथों पर लग रही है मेहंदी, शगुन की मेहंदी। लेकिन इस बार इस मेहंदी के पीछे छुपी सच्चाई से सौम्या है अनजान। शक्ति अस्तित्व के एहसास की में ये नजारा है सौम्या की मेहंदी की रस्म का। जी हाँ, सौम्या की दूसरी शादी की मेहंदी की रस्म का। लगाना झटका, लेकिन सच यही है। उससे भी शॉकिंग बात तो ये है कि सौम्या को भी इस बात का अंदाजा दूर दूर तक नहीं है कि ये मेहंदी शगुन की मेहंदी है। देखिए कितने प्यार से समीर की माँ सौम्या को मेहंदी लगाने की बात करती है। बेटा हम दोनों माँ बेटे का हमारे अलावा और कौन रिश्तेदार? और घर की पार्टी में अगर तुम्हें अच्छे से तैयार नहीं होंगे तो फिर हम लोग को कैसा लगेगा? इसलिए चुपचाप नहीं मिल पा। और वैसे भी ना तेरे गोरे गोरे सुंदर सुंदर हाथों को ना बहुत ही गहरा लगता है। सौम्या के पूछने पर माँ ने घर में पार्टी का बहाना बना दिया। इसके बाद समीर की माँ सौम्या को बातों ही बातों में जिंदगी में आगे बढ़ने की बात भी करती हैं और इनडायरेक्टली सौम्या को दूसरी शादी करने की बात भी कह देती हैं। हमारे साथ एक नई जिंदगी बसाने की कोशिश करके तो देखो, तुम ना इसे अपना घर समझो। आइए अब चलते हैं समीर की मम्मी के पास और उनसे ही जानते हैं इस अनोखी मेहंदी की रस्म के बारे में कि वो क्यों इस तरह सौम्या के हाथों पर मेहंदी लगा रही हैं। हाँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि बेटे से उसकी शादी करवा दूँ। बेटा इतना प्यार करता है उसे और मैं भी प्यार करती हूँ उसे, अच्छी लगती है हमें और हमारा बिजनेस भी बढ़ गया है, तो एक सौभाग्यशाली है वो हमारे लिए बेसिकली, तो इसलिए मेहंदी लगा रही हूँ उसे। आपने अपने बेटे के लिए सौम्या को पसंद भी कर लिया और बिना उसकी रजामंदी के शादी भी तय कर दी। सौम्या को इस मेहंदी की रस्म पर शक नहीं हुआ? हाँ, उसे ना शायद महसूस हो रहा है कि उसे ये नहीं लग रहा कि कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन मेहंदी क्यों लगा रही है? उसके मन में ये तो ख्याल है कि मेहंदी क्यों लगा रहा है, कोई अचानक से मेहंदी क्यों लगा रहा है? उसको बात टाल के मैं बोलती हूँ कि बर्थडे है तो उसके लिए लगा रहे हैं कि तुम हमारी हो, बट उसे अभी पता नहीं है कि बेटा उसे प्रपोज करने वाला है या उसकी शादी करवा रहे हैं हम। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस मेहंदी की हकीकत और आपके इरादे जब सौम्या के सामने आएंगे तब उनका क्या रिएक्शन होगा? शायद ना माने वो शादी के लिए, ये तो उसका फैसला है, पर मानेगी नहीं और अगर जाना चाहेगी तो हम उसे जाने नहीं देंगे, देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरे के फैसलों का उनकी कद्र करनी चाहिए, तो उसे जबरदस्ती किसी भी चीज को फोर्स करके अगर पाया तो फिर क्या पाया? जहाँ समीर की माँ दिल ही दिल में सौम्या को अपनी बहू मान चुकी है, वहीं सौम्या का दिल हर पल हर मन के लिए ही धड़कता है। ऐसे में हमें तो यही लग रहा है कि बहुत जल्द सौम्या की जिंदगी में एक बार फिर आएगा बहुत बड़ा तूफान, जहाँ सौम्या को हर मन या समीर दोनों में से किसी एक को चुनना होगा।